ओलंपिक खेल से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है भारत के लिए। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर जीता कांस्य पदक और रच दिया इतिहास। जी हां, 41 वर्ष के बाद भारतीय हॉकी टीम ने मेडल के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो सूखा खत्म कर दिया है। बताते चलें कि टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय दल के लिए कई पदक दांव पर लगे हैं। कुश्ती में एक पदक पक्का है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों में यह भारत का चौथा पदक है। भारत ने 1980 के बाद हॉकी के खेल में ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जर्मनी जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ कांस्य पदक के लिए लड़ाई लड़ी। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में हार मिली थी और इस तरह भारत और जर्मनी के पास कांस्य पदक जीतने का मौका था, क्योंकि दोनों टीमें गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से बाहर हो चुकी थीं। इस मौके को भारतीय टीम ने बनाया और जर्मनी को 5-4 से रोमांचक मैच में मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। यह देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि 41 वर्ष के बाद भारतीय हॉकी टीम अपने नाम एक पदक हासिल कर सकी। सोशल मीडिया पर भारत के लिए बधाइयां मिल रही हैं। नेताओं से लेकर बॉलीवुड और आम आदमी तक भारत के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर हॉकी टीम के लिए ट्रेंडिंग बनी हुई है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।